फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। जो आज एक समय लग जाता है कोई केस का जजमेंट होने में, कितने ही सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसने क्या किया, एक ही दिन में 75 जजमेंट दिए हैं, एक ही दिन में, सिंगल डे में। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। एक तरह के रिकॉर्ड में उड़ीसा हाई कोर्ट को एक खंडपीठ ने सोमवार को आपराधिक अपील मामलों में 75 फैसले सुनाए, जिसमें से ज्यादातर हत्या के मामलों से संबंधित थे। यह उपलब्धि अदालत की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने से 2 दिन पहले हासिल की गई। न्यायमूर्ति देवव्रत दास और न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की पीठ ने सुबह 10:30 से एक हाइब्रिड व्यवस्था के माध्यम से काम करना शुरू किया, जिसमें पक्ष आभासी और भौतिक दोनों मोड में उपस्थित हुए। शाम तक सभी सूचीबद्ध 75 मामलों के फैसले सुना दिए गए और खचाखच भरे अदालत कक्ष में तालियां गूंज उठी। अपीलें राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दायर की गई। दिन के दौरान 2 मामलों में पेश हुए अधिवक्ता वीके रावण ने कहा, उड़ीसा उच्च न्यायालय में अपने 32 वर्षों के अभ्यास में मैंने एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों में फैसले सुनाए जाते कभी नहीं देखा था। आज एक रिकॉर्ड बनाया गया और यह दुर्लभ उपलब्धि उच्च न्यायालय के 75 जो है वर्षगांठ के जश्न को यादगार बना देगी। उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 में हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश वीरा किशोर रे सहित केवल 4 न्यायाधीश थे। भारत के संघीय न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया ने इसका उद्घाटन किया था। पिछले 75 वर्षों में बेंच की संख्या बढ़कर 28 कर दी गई है। सोमवार को जिन अपीलों का निपटारा किया गया वे कई वर्षों से लंबित थी। अधिकांश मामलों में अदालत ने निचली अदालतों द्वारा दी गई सजाओं की पुष्टि की और कई अन्य मामलों में मौत की सजाओं को बदल दिया। पीठ ने कई मामलों में पुलिस की जांच के मानक और अभियोजन पक्ष द्वारा मामले की दोषपूर्ण प्रस्तुति पर चिंता जताई। एक मामले में जिसमें एक मौत को मानव हत्या माना गया था, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की असक्षमता के कारण दोषियों को रिहा कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये था कि जहाँ कोर्ट्स क्या है बहुत डिले कर देती हैं, जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा होता है कोर्ट्स पे, लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने 75 जो केसेज है उस पर जजमेंट दे के एक रिकॉर्ड बनाया। और यह था कि 75 वर्षगांठ जो थी सालगिरह थी उस बेंच की होने वाली थी, 2 दिन पहले ही ये जो जजमेंट है 75 जजमेंट क्या है सुनाए गए। तो ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।